सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड वीडियो के टाइटल से समझा होगा क्या होगा टाइटल। एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा, प्रेप वीडियो। सो बेसिकली कॉम्पिटिशन होने वाला है आज आज इसलिए क्योंकि या आई कैन से इट्स पास्ट 12:15 AM हो गया है। तो आज है कॉम्पिटिशन, तो आज सुबह निकलने वाला हूँ। मैं बहुत कम रखने वाला इंट्रोडक्शन, आई मीन एनर्जी सेव करने वाला हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। एक तो एक इंट्रोडक्शन कम रखना है, सेकेंड इज मेरे को बहुत भूख लग रहा है। मैंने कुछ खाया नहीं है शाम से, इट्स लाइक 6:30 के बाद से मैंने कुछ खाया नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के पहले वो होता है, करना रहता है वेट का एडजस्टमेंट। तो वो मैंने बताया था फर्स्ट SBD कॉम्पिटिशन के टाइम के वीडियो में, जाके देखो। तो दैट्स द रीज़न। तो अगर सोना होता डायरेक्ट तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट मेरे को अभी 4:30 तक बैठना है, काम चालू है। तो दैट्स द रीज़न, भूख बहुत लग रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना मेरे को। और मेरे को सिर्फ ये बताना है कि ओपन कैटेगरी क्या होता है एंड नॉर्मल SBD क्या होते हैं। तो बेसिकली ओपन कैटेगरी का कॉम्पिटिशन है। ओपन कैटेगरी में क्या होता है, अपना जो वेट का क्लास होता है 59, 66, 74, 83, 94, 93 और उसके 100+, वो वेट कैटेगरी में सब क्लास के लोग खेलते हैं। सब क्लास के मतलब सब जूनियर जूनियर सीनियर मास्टर मास्टर वन सब खेलेंगे। नॉर्मल कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है, सब जूनियर का एक अलग वेट कैटेगरी 59, 63, उसमें जूनियर का 15, ऐसा होता है। ओपन में ऐसा नहीं है, एक वेट कैटेगरी, उसमें सब क्लास खेलेंगे। तो मुझे पता है ये नवी मुंबई साइड में होने वाला है, नवी मुंबई साइड में कंपटीशन है, तो वहाँ पे बहुत लोग आने वाले हैं। तो दैट्स द रीज़न मैं मेडल के लिए नहीं खेल रहा हूँ, या सो दैट्स द रीज़न मैं मेडल के लिए नहीं खेल रहा हूँ, PR निकालने जाने वाला हूँ। तो और ऑल्सो वन थिंग, ओपन कैटेगरी में कैश प्राइजेस होते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड के लिए, कैश प्राइज मेडल एंड सर्टिफिकेट। और नॉर्मल अपने SBD में मेडल एंड सर्टिफिकेट होते हैं। तो बेसिकली आई एम गोइंग फॉर माई डेडलिफ्ट यार, देखते हैं डेडलिफ्ट खींचना है अच्छे से। 2 दिन किया रेस्ट, ठीक ठाक किया रेस्ट, इतना भी ये नहीं किया, मतलब था नॉर्मली। सो या मील प्रेप करके रख दिया है, टिफिन विफिन जो भी, कल जाके एक बार वेइंग हो गया, आई एम जो गोना ईट, मेरे को बहुत भूख लग रहा है, तो मैंने सब मील प्रेप करके रख दिया है, कपड़ा भी ले लिया है। तो अभी 6:30 के निकलने का प्लान है, 6:30 AM, 4:30 का एंड द शिफ्ट, एंड फ्रेश भी सब हो जाऊंगा, एंड 6:30 को आई विल लीव। तो सुबह मिलते हैं डायरेक्ट अभी। सो गाइस, राइट नाउ आई रीच्ड सर के प्लेस के वहाँ पे। सो द टाइम इज़ 7 AM, थोड़ा लेट हो गया निकलते निकलते, थोड़ा सीन हो गया था। तो अभी सर को पिकअप करके, वहाँ हेमंत खड़ा है उसको पिकअप करके। यार सर आ रहे हैं। तो गाइस अभी वेइंग सब हो गया, मेरा वेट आया 71, एंड अभी वे करने के बाद फटक से मैं खाया, राइस खाया, ड्राई फ्रूट्स लाया तो खाया, एंड अभी थोड़ी देर का कंपटीशन चालू होगा। राइट नाउ टाइम इज ऑलमोस्ट 11 PM, पर अब तक चालू नहीं हुआ है। सो वी आर जस्ट रेस्टिंग, खा के पी के सब। रोशन सर है, हेमंत आया है, हेमंत आया है, एंड दो बंदे हैं इधर, एक यश है। बहुत, तेरा नाम क्या है? रविकांत है, और एक यश है। तो हम लोग 5 जन हैं साथ में। तो वी आर जस्ट वेटिंग कब चालू होगा। Habits. I don't fucking ask, bitch, I just fucking grab it. I am never static.
massively active, expanding, bachelor, planning to have it. So I will go capture it, and I'ma stay after it. I'm gonna fucking master it, put them on blasting. They will never last it. Don't be so dramatic, not my demographic. This shit is democratic. That was बेंच प्रेस, तीनों लिफ्ट आपने देखा. फर्स्ट लिफ्ट 85 था, अच्छा स्पीड गया था, तो सर ने डायरेक्ट 92.5 डाल दिया. एज यू सॉ सेकेंड लिफ्ट नहीं गया थोड़ा, आई गेस मैंने वाइड पकड़ा था, बट थर्ड लिफ्ट में मैंने थोड़ा क्लोज पकड़ा एंड ऑलमोस्ट गया था, बट ठीक है नहीं गया. स्पीड के हिसाब से सर ने बढ़ाया था 92, आई गेस 90 रखता तो जाता था, पता नहीं, बट ठीक है. बेंच 85 है. सो फाइनली जिसके लिए आया था डेडलिफ्ट का, वो भी किया तीन लिफ्ट. प्रिटी मच हैप्पी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली पीआर निकला है. 180 दिया था पहला, रिस्क नहीं लिया, 187 डाला. 187 भी और अच्छा स्पीड में गया था, एंड 190 भी उठा. मेरे को लगा वो गया पूरा, आपने जोश देखा, हाइप देखा कितना था. 190 आई थॉट गया, बट उसके बाद वन ऑफ द रेफरी जस्ट गेव मी नो लिफ्ट, बिकॉज नी के ऊपर जैसे ही रॉड गया, यू सॉ थोड़ा जर्क हो गया. तो दैट्स द थिंग पावर लिफ्टिंग में, ज़रा सा भी टेक्निकलिटी में देखा जाए तो इट इज़ नो लिफ्ट, बट नॉर्मली अगर जिम विम करते हो तो या इट्स अ लिफ्ट, बट एज पावर लिफ्टिंग में सब देखा जाता है, नी लॉक हो रहा है, जर्क हो रहा है, शोल्डर ये हो रहा है, रिट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं डेड लिफ्ट में. तो दैट्स द थिंग, मैं पूरा खुश हो गया था लास्ट में 190 गया था तभी, बट जैसे वो रेफरी ने नो लिफ्ट दिया आई जस्ट गॉट डिसअपॉइंटेड. बट ठीक है, 187 गया है, जाएगा 190 भी, 195 भी जाएगा. सो या दैट्स इट फॉर द लिफ्ट्स. ठीक ठाक था, मतलब Come on, it's good! Easy! 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 Full goodness! Come on, boy! Easy! Easy! Finally, everything done. Dombivli पहुंच गया. फिलहाल तो अभी रोशन सर के घर पे वी हैव रीच्ड. सर को मिला है थर्ड प्लेस सर के कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में. अच्छा डेड खींचा सर ने, मजा आया देख के. एंड दैट्स इट, दैट वाज माय वीडियो, टुडेज वीडियो. अभी नेक्स्ट थर्सडे, अभी कमिंग थर्सडे को आई एम गोना ट्राई इक्विप्ड का डेडलिफ्ट. देखते सूट पहनाने वाला कोई है तो इक्विप्ड थर्सडे में लेगा. उसके बाद जनवरी में एक है SBD का कंपटीशन, दैट विल बी द लास्ट आई एम अटेंडिंग. उसके बाद मैं प्रोग्राम फॉलो करने वाला है, तो वहाँ पे देखते कितना जाता है. स्क्वाट का थोड़ा उठाना है, तो देखते जनवरी में कितना जाएगा. बट फॉर दिस व्लॉग आई एम एंडिंग इट हियर. थोड़ी देर के बाद मैं जाएगा मेरे घर पे. तो दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द व्लॉग. टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी. Adios, amigos.